हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीनिंग नेम्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो बेबी है उसका सर आप गोल कैसे रख सकते हैं, या फिर आप कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने बेबी का सर गोल रखने में, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं जो आपको स्टेप्स बताऊँगी वो बहुत क्विक स्टेप्स हैं, आप इजीली अपने बेबी का ध्यान रख सकते हैं ताकि आप उसके सर को गोल रख सकें। तो पहला पॉइंट है कि आपका बेबी जब सोता है या फिर वो जब बेड पे लेटा हुआ है या आपने जहाँ पे भी बेबी को लेटाया हुआ है, तो बेबी हमेशा अपने स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। लाइक वो इस तरीके से सीधा लेटना चाहिए, उसका जो वेट है वो बैक साइड में रहना चाहिए, बैक साइड से लेटना चाहिए। और इसके अलावा आप बेबी का जो पिलो यूज़ करते हैं, सपोज़ आप मार्केट से बेबी के लिए जो पिलोज़ अवेलेबल हैं वो लाना चाहते हैं, तो वो बेस्ट है क्योंकि वो बेबी के सर को सीधा एक प्रॉपर शेप में रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट अगर आप नहीं ला सकते हैं तो आप जो भी पिलो यूज़ करें वो बहुत पतला पिलो होना चाहिए ताकि बेबी की जो गर्दन है उस पर वेट नहीं आना चाहिए। उसका सिर्फ आपको पिलो इसलिए यूज़ करना है ताकि बेबी का जो सर है वो एक स्टेबल रह सके, वो बिल्कुल एक जगह पे अच्छे से बेबी सो सके। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि बेबीज़ को आप ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में नहीं सुला सकते हैं, क्योंकि बेबी को भी अगर आप सीधा सुला के रखेंगे तो उसकी बैक पेन करने लगेगी। तो आप हमेशा 15-20 मिनट की ड्यूरेशन में बेबी की साइड्स चेंज करते रहिए। लाइक आपने अभी राइट साइड में टर्न करके बेबी को सुलाया है तो 10 या 15 या फिर 20 मिनट के बाद में आप बेबी को लेफ्ट साइड में टर्न करके सुला दीजिए। देन अगेन आप उसको 10-15 मिनट के बाद में सीधा सुला दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें इनिशियली ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेनी पड़ती है। आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो थोड़े टाइम बाद में तो बेबी अपने आप ही टर्न करना सीख जाता है और वो बेबी के सर को गोल रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो बेबी है उसकी आप डेली सर की मालिश कीजिए। आपके बेबी के सर की मालिश के लिए आप अगर हो सके तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ जो बेबी ऑयल्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपको जो बेबी का सर है उसकी डेली मालिश करनी है। वो इसलिए ताकि आपके लिए उसके दो बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स पहला ये है कि आप अगर उसकी मालिश करते हैं बेबी की, तो बेबी की जो क्रेडल कैप होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बेबी के जो सर पे ऊपर की तरफ है वो परत आई हुई होती है, उसे आपको एक तो हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप जितना ऑयलिंग करेंगे उतनी जल्दी ऑयल लगने से वो जो क्रेडल कैप होती है वो सॉफ्ट होके निकल जाती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि वो डेली थोड़ी थोड़ी करके निकल जाती है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर मालिश करेंगे डेली बेबी की और कॉम करेंगे तो आप प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि बेबी का सर प्रॉपरली गोल है या नहीं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं बेबी का सर एक तरफ से थोड़ा सा आपको दबा हुआ लग रहा है या एक तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ लग रहा है, तो उसमें आपको उसे रिकवर करने में बहुत हेल्प मिलती है कि आप बेबी को आपको किस साइड में ज़्यादा टर्न करके आप वापस से बेबी का सर बैलेंस कर सकते हैं। तो यही कुछ टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करती हैं तो आप बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि उस बेबी का जो सर है वो गोल रहे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।